अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग, सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं, जी हाँ अभी बज रहे हैं सुबह के 8। ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट कर ली, नाश्ता हो गया हमारा। सब कैसे? सब बच्चे लोग बोल रहे थे आंटी हम क्रंच वीडियो देखते हैं आपकी, आप क्रंच ही करो, किसी के बारे में मत बोलो। ठीक है बेटा, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी आज से, ठीक है? ओके। जिसके बारे में जो है ऊपर वाले पे छोड़ती हूँ, वो देख लेगा। चलो आज से सिर्फ हम क्रंच करेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ओके सॉरी आप लोग को, सबको सॉरी, मेरे वजह से आप लोग को ऐसा सब सुनना पड़ता है और आप लोग का मूड ख़राब होता है मेरी वजह से, उसके लिए सॉरी। ठीक है, आज के बाद मैं किसी के बारे में नहीं बात करूँगी, बाहर में गई दुनिया। ठीक है बेटा, चलो करते क्रंच। हाँ मैं नाश्ता करने के बाद ना बेटा करती हूँ, क्योंकि ना दिल करता है। सही बात है, दूसरे के बारे में बोल बोल के मेरा मुंह गंदा हो रहा है। सही बोली एक बच्ची ने। ये फुल रोस्टेड है बेटा, देखो फुल रोस्टेड ऐसा होता है, बाहर से काला अंदर से ऐसा। थोड़ा बड़ा था ना वो, उसमें पूरा मुंह भर गया। मैं बेटा है ना, आप लोगों को क्या बोलूँ, सच में मेरा दिल भी नहीं करता कोई मनुष्य का नाम लेने मेरे मुंह से। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला मेरे को कुछ भी बोले मैं सुन के लूँ तो ठीक है, मैं सुन के लूँगी। ठीक है, मैं उसको जवाब नहीं दूँगी। ओके ये देखो, ये चंगे ना जो चपटे चपटे पीस, ये मैंने लोगों को सिखाई थी, चपटे स्क्वायर प्लेन वाला मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही देना, ऐसे ही देना। अभी मेरी डायलॉग सब फिक्स कर लिए ले मुंह में बोलने के लिए। ऐसे चंग ना बेटा बहुत अच्छे रहते हैं। इंशाल्लाह कभी मैं खोलूँगी ना, सेल करूँगी ना, जब बच्चे मांगेंगे ऐसे दूंगी। अब मैं जब सेल करूँगी ना आप लोग की दुआ से, मेरा सेल करने का तरीका बहुत अलग रहेगा बेटा, बहुत अलग, आप लोग देख लेना। आज मेरे घर में मेरी बहन, मेरी खाला, वो लोग सब भोजन आने वाले ऐसी, बस उनके लिए थोड़ी छोटी सी दावत रखी। मैं उठ जाती हूँ 6 बजे 7 बजे, भटियारे को ऑर्डर दिए है हमने चिकन पुलाव का और दूधिया का हलवा। आज हमारे घर में पार्टी है छोटी सी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहेगी।
देख रहे कितना दिन से सब मैंने बल्ब पूरा गोनी में ये चम्स संभाल के रखी थी पर इसका कंटिन्यूस अभी तक नहीं गया। देखो मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ से लेके खा रही हूँ। मैं पूरा डब्बा लेके बैठी हूँ जिसमें मैं खा के डालती हूँ ना, मैं अलग ही डब्बा रखती हूँ, मेरा गोनी का नहीं उठाती क्योंकि एक खलास होगा ख़त्म होगा फिर उसके बाद दूसरा लेती हूँ। देखो मेरी कैट ये ना इसके अंदर सो रही है, उसको ठंडी लग रही है इसलिए मैंने उड़ा के रखी उसको।